नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में तस्वीरें आप देख रहे हैं। पीएम मोदी का आज ये मेगा रोड शो है जहां पर आपको लगातार नजर आ रहा हो कि भारी जो जन समर्थन है वो उमड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री का काफिला जहां जहां से निकल रहा है, भारी संख्या में लोग मौजूद हैं। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, मालदहिया से गदौलिया तक का ये पूरा रोड शो है और ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा और काशी में हर तरफ आपको इस समय मोदी मोदी इस तरह के जो नारे हैं वो पूछते हुए दिख रहे हैं। तस्वीरें सबसे पहले आप देखें और प्रधानमंत्री का ये जो पूरा रोड शो है ये धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और उसके बाद जो पूरा रूट है वहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भारी संख्या में जो लोग हैं, जो जनसैलाब है वो भी मौजूद है। राकेश हमारे साथ सीनियर एडिटर बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख करते हैं। राकेश जी, लगातार जो कि तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं और जो तस्वीरें हम लोगों को देखने को मिल रही हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि प्रधानमंत्री के अपनी संसदीय क्षेत्र में जो लोकप्रियता है वो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन सिर्फ वाराणसी ही नहीं, वाराणसी से आगे या फिर आसपास लगते हुए जो तमाम जिले हैं जहां पर सातवें फेज के अंदर वोटिंग होनी है, लग रहा है कि ये जो जनसैलाब यहां पर दिख रहा है, जो जन समर्थन यहां पर दिख रहा है, उसकी गूंज या फिर उसका जो एक संदेश है वो उन तमाम जिलों में देखने को मिलेगा और इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है प्रधानमंत्री का इस तरह से रोड शो करना, वो भी वाराणसी में। देखिए, प्रधानमंत्री का रोड शो जब जब वाराणसी में रहा है चुनाव के समय, उसका असर जो है पूर्वांचल में पड़ता रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब काफिला जो है लौरावीर से आगे बढ़ता हुआ मैदागिन होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर आप देख सकते हैं कि जो क्योंकि काफिला यहां से निकल चुका है, लोग जो हैं आप यहां पर देखिए किस तरह से जो स्थानीय सांसद और देश के प्रधानमंत्री के स्वागत करने के लिए किस तरह से लोग जो है घंटों जो है कतार में खड़े थे और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिरकार जो उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का जो फाइनल है वो वाराणसी में खेला जा रहा है। क्योंकि अगर बात करें कि सबसे पहले प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो हैं यहां पर आते हैं और उन्होंने अपनी बातें रखी, अब प्रधानमंत्री का रोड शो और उसके बाद जो बीजेपी को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं अखिलेश यादव, उनका रोड शो भी अब से कुछ देर बाद होने वाला है। तो ये वाराणसी है, यहाँ पर एक संदेश देने की कोशिश, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का ये रोड शो ये पूर्वांचल में असर डालेगा। जैसा कि हम कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से पूर्वांचल को एक नई दशा और दिशा दी है उसका असर पड़ना तय है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने छोटे छोटे दलों से जो जाति आधारित पार्टियां हैं उनसे गठबंधन करके पूर्वांचल में जो बीजेपी की 2017 के जो परिणाम थे उसको रोकने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब कितना सफलता मिलती है महत्वपूर्ण होगी। लेकिन प्रधानमंत्री का रोड शो ये अपने आप में एक बड़ा जो है संदेश दे रहा है पूर्वांचल को। और प्रधानमंत्री जिस तरह से आपने देखा कि कल बिल्कुल उन्होंने राकेश एक चीज और समझाइए, उसके बाद कुछ मेहमान है मेरे साथ, मैं उनके साथ भी इस विषय पर थोड़ा और चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। राकेश, एक बात मुझे ये बताइए, वाराणसी के अंदर सभी का जमावड़ा क्यों नजर आ रहा है, वाराणसी इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझाते चलिए। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि प्रियंका गांधी इसके पहले वहां पर मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा रोड शो किया, अभी प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, उसके बाद अखिलेश यादव का भी रोड शो होना है, वाराणसी इतना अहम क्यों हो जा रहा है, वाराणसी ही सब सेंटर पॉइंट में क्यों नजर आ रहा है, इसको जरा सा समझाएं। देखिए, वाराणसी इसलिए अहम है कि सातवां चरण और सातवां चरण में वाराणसी जिस तरह से प्रधानमंत्री का रोड शो का कार्यक्रम तय हुआ, उसके बाद अखिलेश यादव का रोड शो, प्रियंका गांधी, राहुल, तो ये जो है प्रधानमंत्री का जो क्षेत्रीय सांसद हैं और प्रधानमंत्री जब रोड शो यहाँ करते हैं वाराणसी में तो पूरे पूर्वांचल में आजमगढ़, मऊ या आप चंदौली की बात करें, इन तमाम जो जिले हैं, मिर्जापुर है, इनमें असर पड़ता है। तो प्रधानमंत्री का रोड शो और इसी को काटने को लेकर अखिलेश यादव का रोड शो है, तो अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है कि कितना असर, किसका कितना असर पड़ता है। जरूर ये बात है कि प्रधानमंत्री के
जो पूर्वांचल में व्यू रचना जिस तरह से काटने के लिए अखिलेश यादव ने रची है, क्या वो सफल होती या नहीं, ये महत्वपूर्ण बात होगी। लेकिन जो कदावर नेता हैं, जो अखिलेश के साथ हैं, चाहे ओपी राजभर की बात हो या जो मौर्य, दोनों कड़े संघर्ष में हैं। और अगर वहां पर अप्रत्याशित परिणाम भी आए तो आप चौंकिएगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से राकेश, क्योंकि आप तो ग्राउंड पर मौजूद हैं और आपसे बेहतर मुझे लगता है कि कोई इस समय नहीं समझ रहा कि वहां पर दरअसल जो स्थिति है ग्राउंड पर या जो वोटर्स का मूड है वो क्या है। लेकिन हम लोग थोड़ा चर्चा में आगे बढ़ते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, मैं फिर से आपके पास वापस लौटूंगा, कुछ तस्वीरें कुछ और चर्चा आपके साथ करूंगा। अभी मेरे साथ दीपक बघेल जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी स्वागत है आपका चर्चा में। इसके अलावा एडवोकेट शहबाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक जी आपके पास आता हूं सबसे पहले। दीपक जी तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है हमेशा की तरह, जब भी प्रधानमंत्री पहुंचते हैं वाराणसी के लोगों का तो एक प्यार जो है वो प्रधानमंत्री के प्रति दिखता है। लेकिन अब चूंकि जो ये लड़ाई है इस समय विधानसभा चुनाव की, सिर्फ वाराणसी नहीं, वाराणसी के अलावा भी अन्य जो आसपास के जिले हैं वहां पर भी बहुत महत्वपूर्ण है इस समय। प्रधानमंत्री का ये रोड शो कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और क्या वहां से वो संदेश उन आसपास के जिलों में भी पहुंचता हुआ आप देखते हैं? आपका एक रिएक्शन चाहूंगा प्रधानमंत्री के इस रोड शो को लेकर दीपक जी। देखिए आयुष जी, आप जिस प्रकार से देख रहे होंगे आज पूरा वाराणसी भगवामय हो गया है, सब तरफ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। और आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता का स्तर, जहां पर आप नजर डालिएगा आप जो जनसैलाब भी पाइएगा, तो ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो लोगों के बीच में विश्वास है, लोग इतना प्यार करते हैं, वो इतने लोकप्रिय नेता है, तो ये स्पष्ट रूप से साबित करता है कि वाराणसी की जनता और पूर्वांचल की जनता ने नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देना अपना तय कर दिया है। और देखिए वहां से बहुत अच्छा सीट निकल कर आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। और अभी तो हमारा जो मैंडेट का जो जादुई आंकड़ा था 202 से ऊपर हो गया है। अभी तो हमें केवल और केवल एक मजबूत सरकार के लिए जो मैंडेट की आवश्यकता है वो हासिल करने की आवश्यकता है। हमने बताया है कि किस प्रकार से राशन से सुशासन तक लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और सुशासन और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर जा रही है और जनता उसका आशीर्वाद भी दे रही है। एडवोकेट शहबाज जी आपका भी एक रिएक्शन चाहूंगा, चूंकि आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी काशी विश्वनाथ में दर्शन किए, आज उन्होंने भी रोड शो निकाला, वाराणसी इतना महत्वपूर्ण क्यों है? और इसके अलावा प्रधानमंत्री भी आज वहां पे रोड शो कर रहे हैं, इसके बाद अभी अखिलेश यादव का भी रोड शो वहां पर होना है, कैसे देखते हैं इसको आप? शहबाज जी एक बार अपनी ऑडियो अनम्यूट कर लें आप। शहबाज जी आप सुन पा रहे हैं? जी सर सुन पा रहा हूं। शहबाज जी आपका रिएक्शन चाहता हूं प्रधानमंत्री के रोड शो को भी, और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया है। जी सर, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। शहबाज जी मेरा सवाल यह है कि किस तरह से आप देख रहे हैं आज, क्योंकि वाराणसी के अंदर सभी बड़े नेताओं की मौजूदगी है, आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी ने भी रोड शो किया है, अभी प्रधानमंत्री का भी रोड शो चल रहा है, ये वाराणसी इतना अहम क्यों है, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सर बनारस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बनारस जो है हमारे सनातन धर्म की जो एक तरीके से धरोहर है और घाटों का शहर है, काशी विश्वनाथ का शहर है, तो इसलिए बनारस जो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अलग ही महत्व रखता है। लेकिन जहां तक प्रधानमंत्री जी माननीय जो हमारे देश के मोदी जी हैं उनके रोड शो करने की बात है, तो रोड शो से इससे कुछ भी साबित होने वाला नहीं है। जिस तरीके से जो एक बनारस की इमेज है, बनारस में पहले भी बोल चुका हूं कितना महत्वपूर्ण सांस्कृतिक शहर है हमारे पूरे विश्व का, लेकिन उसकी इमेज को जिस तरीके से पीएम मोदी जी ने हाईजेक करने की कोशिश की है, अब बनारस के ना घाट महत्व रखते हैं, अब ना बनारस की धरोहर महत्व रखती है, अब सिर्फ महत्व रख रही है बीजेपी के लोगों के अनुसार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। ये बनारस शहर से ऊपर उठ चुके हैं, बनारस को क्योटो बनाने चले थे, लेकिन बनारस को इन्होंने क्या से क्या बना दिया है किसी से छिपा नहीं है। पूरे बनारस शहर की गंदगी, पूरे बनारस शहर का कूड़ा कचरा माँ गंगे में जाकर गिन रहा है। तो इस तरीके से इनके रोड शो से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। जनता इस बार जो है पूरी तरीके से भरोसा कर रही है माननीय राहुल गांधी जी पर, प्रियंका गांधी जी पर, जिस तरीके से हम 5 साल। तो शहबाज जी मतलब अगर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी रोड शो करेंगे उससे इम्पैक्ट पड़ेगा और प्रधानमंत्री के रोड शो से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों का जरा अंतर समझाए ना, क्योंकि जनता तो वही है बनारस की। मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब
माननीय मोदी जी 2014 में बनारस गए थे तो उन्होंने बोला था कि ना मुझे यहाँ किसी ने बुलाया है, मुझे सिर्फ और सिर्फ गंगा माँ ने बुलाया है। लेकिन गंगा माँ के लिए इन्होंने एक गंगा नमामि प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, लेकिन आप भी जानते होंगे वो प्रोजेक्ट इन्होंने किस तरीके से बंद कर दिया गया। उसमें कम से कम 80,000 करोड़ का बजट एलोकेशन भी हुआ था। इनकी एक केंद्रीय मंत्री जी ने एक बात बोली थी उमा भारती जी ने कि अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं कूद कर जान दे दूंगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। गंगा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, गंगा में तैरती लाशें नहीं दिख रही है। काशी की जो इन्होंने काशी को जो क्योटो बनाने का वादा किया था, क्योटो ना बनाकर काशी का कबाड़ा बना दिया है। काशी के साथ इन्होंने क्या छलावा किया है, तो काशी की जनता समझ चुकी है कि कहां वोट देना है और किन मुद्दों पर वोट देना है। इस बार काशी में कोई भी धर्म का कार्ड नहीं चलने वाला है। काशी ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुद्दे हैं वो बेरोजगारी है, जो मुद्दा है वो हेल्थ है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और बीजेपी इससे बहुत ज्यादा दूर निकल चुकी है। आप 10 मार्च को देखेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होने वाला। ठीक है, चलिए दीपक जी, चूंकि जो बात अभी यहां पर कह रहे हैं, एक तो काशी के विकास को लेकर के उन्होंने सवाल उठाया, दूसरा चूंकि गंगा एक बहुत बड़ा और अहम विषय था उसकी सफाई को लेकर के सवाल उठाया, और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री के इस तरीके के रोड शो का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आयुष जी, आपने आयोजन देखे होंगे, एक मैं आयोजन की बात करना चाहता हूँ जो कुंभ अखिलेश यादव जी की सरकार में हुआ। आपने देखा किस प्रकार से भगदड़ मची और वहां पर क्या व्यवस्थाएं थी। अव्यवस्थाओं के ये हाल था कि लोग जैसे तैसे उस दर्शन को करके आए और माँ गंगा के जल से स्नान किया। और एक आपने कुंभ देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के समय पे, कितनी व्यवस्थित रूप से उस कुंभ को किया गया था, विदेशों से लोग आए और बेहतरीन आयोजन एक जो बताया गया विश्व के स्तर के लोगों ने बताया कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने इतना बेहतरीन और भव्य दिव्य कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के अंदर किया, प्रयागराज के अंदर किया, और वो किसी से छुपा नहीं है। मैं भी दर्शन करने गया था वहां पर, नरेंद्र मोदी जी ने भी वहां पर डुबकी लगाई थी, दुनिया ने देखा। और उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के समय पर गंगा जी के अंदर डुबकी लगाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब भी डुबकी लगाई थी, और आप देख सकते हैं कि गंगा का जल कितना शुद्ध निर्मल जो धारा है वो आज गंगा की हुई है। ये लोग वास्तव में काम नहीं करना चाहते और ना काम करते हुए भी दूसरों पर बस केवल आक्षेप लगाना चाहते हैं और किसी प्रकार से मुद्दे उखाड़ कर और अपने जो राजगद्दी पर पहुंचने की जो पॉलिटिक्स है उसे करना चाहते हैं। और एक एजेंडा के तहत कभी महिलाओं का इस्तेमाल करेंगे, कभी रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, और असल में अगर इनसे पूछ लिया जाए कि इनकी सरकारों ने क्या किया तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। रायबरेली अमेठी तो वहां पर इनके ही सांसद रहे थे, देखिए आज क्या स्थिति है वहां पर। रायबरेली के अंदर इंजन का काम किया था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेस केवल और केवल एजेंडा लेकर आती है और एजेंडे में फेल होकर वापस चली जाती है। अगर कांग्रेस शासित राज्यों को देख लिया जाए तो वहां पर इनकी कितनी दुर्गति है आप देख ही लीजिए। यहाँ पर ये 20 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं, राजस्थान में 1 लाख नहीं दे पा रहे, इनके रोज वहां पर पेपर आउट होते हैं, हल्ला यहाँ मचाते। तो कांग्रेस की केवल और केवल पॉलिसी यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर इतनी है कि महिलाओं का एक कार्ड खेलेंगे, महिलाओं के सशक्तिकरण के नाम पर जाएंगे, बोली बोली महिलाओं को बहकाएंगे और उनके कंधों पर बंदूक चलाकर सत्ता की मलाई खाएंगे। ये कांग्रेस का मेन चरित्र है। बाकी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश को क्या दिया, सबसे लंबे समय तक अगर राज करने का काम किया तो वो कांग्रेस ने किया। आज इतनी अव्यवस्थाएं खड़ी हैं तो उसमें बहुत बड़ा श्रेय कांग्रेस को जाता है और कांग्रेस के बाद आने वाली सभी पार्टियों को जाता है जिन्होंने वहां पर काम नहीं किया। आज 5 साल के उत्तर प्रदेश के कार्यकाल को देख लीजिए, चाहे मुंडेरवा के अंदर पिपराइज के अंदर चीनी मिलों का हो, गोंडा के मिर्जापुर में एथेनॉल प्लांट का लगना हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाजीपुर का आदमी आज दिल्ली से कनेक्ट हो गया वो हो, चाहे कुशीनगर का एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल में जो विकास कार्य हमने लगातार किए, हमने सड़क से लेकर राशन और राशन से लेकर सुशासन ये काम किया है। आपने अभी अब इंटरव्यू देखा होगा अब्बास अंसारी का, किस प्रकार से कह रहे हैं 6 महीने तक किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, हमने अखिलेश भैया से कहा है। तो आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश को ये चुनाव के बाद में क्या बनाना चाहते हैं, ये फिर वही माफिया राज और गुंडा राज उत्तर प्रदेश के अंदर कायम करना चाहते हैं, इन चरित्रों के साथ में सरकार में आना चाहिए। ठीक है राकेश, राकेश एक चीज मुझे बताएं, देखिए पॉलिटिकल पार्टियां तो अपने अपनी बातों को रखेंगी, अपनी तरह से देखेंगी क्योंकि उनको अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखना है, लेकिन 14 से लेकर के पहले तो 17 और उसके बाद हम देखते हैं 17 में जब उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तब 22 तक
काशी के अंदर क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी बात बता रही है, किसी को विकास दिखता है किसी को विकास नहीं दिख रहा है वहां पर, लेकिन ग्राउंड पर क्या स्थिति है और क्या बदला है वहां पर, और क्या आपको लग रहा है कि ये एक बड़ा जिसको भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उसने काशी के अंदर बहुत सारी ऐसे काम है जो किए जो कि वर्षों से लंबित थे, क्या वो नजर आते हैं वहां पे काशी के अंदर, और इसलिए ये जो हम लोग देख रहे हैं भीड़ है प्रधानमंत्री के साथ इस रोड शो के अंदर, शायद उसका नतीजा है वहां पे ग्राउंड पर क्या है, थोड़ा इसको अपडेट करें और बताएं राकेश। देखिए आयुष, मेरी ओर से जो कांग्रेस के पैनलिस्ट हैं उनसे एक पूछिएगा सवाल कि कांग्रेस आखिरकार कितनी सीटें जीत रही है। दूसरी बात जो आपने प्रश्न किया, जहां तक बनारस बदलने की बात है, बनारस कितना बदला 2017 के बाद या 2014 के बाद, तो ये मैं नहीं कर रहा, जब आप जाइए लोगों से बातचीत कीजिए तो लोग जरूर कहते हैं कि पहले से बहुत कुछ बदला है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सड़क की बात हो, घाटों की सौंदर्यीकरण की बात हो, या जो 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 सड़कें हैं, बिजली की बात हो, ये तमाम मसले हैं जिसको लेकर सकारात्मक पक्ष है। हाँ, जहां तक नकारात्मक बातें हैं, जो बातें कही जाती हैं, जो रोजगार की बात है, महंगाई जरूर मसले हैं, लेकिन सब पर भारी पड़ता जो इस चुनाव में जो हमें लगता है आयुष की जो लाभार्थी है, लाभार्थी एक बड़ा मसला रहने वाला है। और जिस तरह से हमने बिहार चुनाव में देखा था कि घर से जो महिलाएं निकलकर लंबी लंबी कतारें दिखी थी और किस तरह से वहां पर पासा पलट दिया था नीतीश के पक्ष में, तो यहां पर भी महिलाओं की लंबी लंबी कतारें हैं। अब महिलाएं उतनी खुलकर नहीं बोलती हैं, क्या ये महिलाएं बीजेपी के पक्ष में आती हैं या जो जिस तरह से जातीय व्यूह रचना है उसके आधार पर, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार अगर पिछली कई रैलियों की बात करें, समाजवादी पार्टी के पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, अखिलेश यादव लगातार अपनी रैलियों में लाभार्थी को लेकर जरूर वो छूते हैं मुद्दे को और कहते हैं कि जिस तरह से जो मौजूदा सरकार है जो लाभार्थी के तहत जो फ्री अनाज दे रही है या कई चीजें दिया जा रहा है, हम उसमें घी और कुछ और चीजों को ऐड करेंगे और हम जो है इसको पांचों साल देंगे, 300 बिजली फ्री बिजली की बात हो, एक ये मसले हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो कानून व्यवस्था एक बड़ा मसला है, समाजवादी पार्टी की जो छवि है जिस तरह से जो लोगों के बीच में, ये मैं नहीं कह रहा, लोग बोलते हैं कि उनके समय ये बिगड़ती रही, एक मसला है, ये सरकार में बदली है, लेकिन क्या जो जातीय समीकरण जो अखिलेश यादव ने बनाया है, क्या वो जातीय समीकरण जो है क्या इंटैक्ट रहता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। और जहां तक वाराणसी की बात किया जाए, सातवें चरण की बात किया जाए आयुष, तो सातवें चरण जो काफी महत्वपूर्ण है, मैं अखिलेश यादव से जब अयोध्या में बातचीत किया था तो उन्होंने कहा था कि 200 पार कर चुके हैं, बीजेपी से बात कीजिए वो भी 200 बार कर चुके, तो भाई ये यहाँ पर 200 लोग छठे चरण में पार कर गए, सातवें चरण की जरूरत नहीं है, तो आखिरकार कौन कितनी सीटें हासिल कर रहा है? तो ये वादे जो दावे जरूर दोनों दल द्वारा की जाती है, लेकिन आपको बता दूं कि आजमगढ़, जब मैं आजमगढ़ कल गया था आयुष, तो आजमगढ़ में अप्रत्याशित आपको 2-3 विधानसभा क्षेत्र है जहां बीजेपी अप्रत्याशित जो है वहां पर बढ़त बनाई है, तो ये कुछ चीजें बदलने वाली है जो कि आपको सातवें चरण में दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से वाराणसी की बात किया जाए, वाराणसी में जो 8 सीटें हैं उसमें 2 जो मौजूदा विधायक हैं उनके खिलाफ नाराजगी थी, लेकिन अब ये प्रधानमंत्री का रोड शो कितना उसको वोट में तब्दील करता है ये देखने वाली बात होगी। जहां तक पूर्वांचल की बात है, पूर्वांचल जो है सातवें चरण जो कि फाइनल खेला जा रहा है यहाँ पर, और फाइनल आप देख रहे हैं जो सभी पार्टियों के जो कद्दावर नेता हैं, जो प्रमुख हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, सभी का रोड शो आज हो रहा है, तो ये तय करेगा कि आखिरकार कौन होगा 2022 राजेश को मिलाकर के वाराणसी से ही वो संदेश जाना है, और इसलिए वाराणसी में हमको ये जितने बड़े चेहरे हैं वो सारे नजर आ रहे हैं। शहबाज जी, आपसे यही सवाल है, एक तो पहला जो भी हमारे सहयोगी राकेश जी कह रहे थे कि भाई आप ये पहले से बता दें कि कितनी सीट आप जीतने वाले हैं, और दूसरा चूंकि ग्राउंड के ऊपर जब हम लोग भी जा रहे हैं तो लोग तो कम से कम कह रहे हैं ना, ठीक है समस्याएं हो सकती हैं, कोई ये नहीं कह रहा कि 100% समस्याओं का निदान, लेकिन हाँ बहुत कुछ बदला है वाराणसी के अंदर, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। शहबाज जी, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे दोनों पैनलिस्ट भाई लोग बैठे हुए हैं, दीपक बघेल जी भी हैं, लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है
वो है मुद्दों से भटकाना। शायद ये होमवर्क नहीं करके आए हैं, बेरोजगारी के ऊपर बात कर रहे थे अभी। बेरोजगारी पर अगर आप देखेंगे, NSSO पर देखेंगे, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट्स देखेंगे, 45 साल के रिकॉर्ड टूट चुके हैं। और पेपर लीक की बात कर रहे थे, उत्तर प्रदेश में आपने भी देखा होगा और ये खबर भी चलाई होगी कि 14 विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के पेपर इस योगी राज में लीक हो चुके हैं। और ये कौन से तरीके से ये समस्या जो मूलभूत समस्याएं हैं उससे ऊपर उठकर बात करते हैं। तो पेपर को लीक होने से रोकने का तो कोई फुल प्रूफ प्लान कांग्रेस ही बता दे। अभी रीट का इतना बड़ा मसला चल रहा है राजस्थान के अंदर, आपके पास भी कोई है क्या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे आप इसको रोक सकते हैं? अगर आप महिला सुरक्षा की भी बात करेंगे तो आपके पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप रोक सकते हैं? अगर रोक सकते हैं तो पहले राजस्थान में करके दिखा दीजिए भाई। जनता 32 साल से इसीलिए नकार रही है आपको, क्योंकि आप कहते हैं लेकिन उसका प्लान नहीं बताते हैं। नकार नहीं रही है, कहीं ना कहीं हम गुमराह नहीं कर रहे हैं, हम सिद्धांतवादी राजनीति कर रहे हैं, हमें नकार नहीं रही है, हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके तो आप ये कह रहे हैं कि जनता हर बार झांसे में आ जाती, जनता बहुत समझदार होती है शहबाज जी, जनता को कोई बहका नहीं सकता है। 2 करोड़ नौकरी, अगर जनता आपके साथ आ जाएगी तो क्या कल को अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो मैं ये मान के चलूं कि क्या आपने बहकाया है? मैं ये मानूंगा कि आपने बहका दिया जनता को। मैंडेट का अपमान ना करें शहबाज जी। 2 करोड़ नौकरी का वादा, 15 लाख का वादा, ये बहकाना नहीं था, ये गुमराना नहीं था, ये बता दीजिए। दीपक बघेल जी आप दे दीजिए, बता दीजिए, आप मुस्कुरा रहे हैं बैठे हुए, ये गुमराह करना और बहकाना नहीं था। गंगा नमामि प्रोजेक्ट क्यों बंद कर दिया आपने? क्या गंगा साफ हो गई? गंगा माँ का जिस तरीके से आप लोगों ने एक लंबे समय तक अपमान किया है, आपको आपकी मंत्री कह रही थी कि मैं डूबकर अपनी जान दे दूंगी, आपको शर्म से डूब जाना चाहिए। आप माँ गंगा के ऊपर राजनीति करते हैं, धर्म के ऊपर राजनीति करते हैं। आप मुद्दों की बात कीजिए, बेरोजगारी पर डिबेट कीजिए, शिक्षा पर डिबेट कीजिए, हेल्थ पर कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कीजिए, देश की मूलभूत समस्याओं के ऊपर बात कीजिए। वही तो पूछ रहा हूँ मैं शहबाज जी, आपके पास मैकेनिज्म क्या है? आपने अगर पेपर लीक का मसला उठाया या आपने कहा कि रोजगार की बात की, आपने किसानों की बात की, आप कोई मॉडल तो पेश करेंगे ना। और कांग्रेस से सवाल इसलिए क्योंकि सत्ता में सर्वाधिक समय आप लोग रहे, कई प्रदेशों के अंदर सरकार अभी भी आप लोग चला रहे हैं, अगर वहां पर आप नहीं दे पा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता आप पर कैसे भरोसा करेगी शहबाज जी? इस तरीके से हमारी छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सरकार चल रही है। छत्तीसगढ़ एक तरीके से आदर्श राज्य बन चुका है। 2500 रुपए क्विंटल गेहूं और धान की वहां पर खरीदारी हो रही है, 2 रुपए किलो में गोबर खरीदा जा रहा है। क्या इस तरीके की जो स्कीम्स है, इस तरीके की योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में नहीं लागू हो सकती? छत्तीसगढ़ एक आदर्श राज्य बन चुका है और कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में हम जनता से कम्युनिकेट नहीं कर पाए, बीजेपी की तरह लंबे लंबे वादे नहीं कर पाए, यही कहीं ना कहीं कांग्रेस की भारी चूक थी। तो इस बार उसको पूरा कर पाए कि नहीं कम्युनिकेट, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि आपके मुद्दों से किसी को कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जनता के बीच में वो संदेश कैसे देंगे आप, अगर आपको अपनी सत्ता को लाना है या जनता की भलाई करनी है तो। 2024 राकेश जी हमारा है, आप ये लिख कर ले लीजिए। जनता ऊब चुकी है, जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी के झूठे वादों से। आज देश का जो युवा है शहबाज जी, 14 में भी आपने यही कहा, 14 में भी आपने यही कहा, फिर 17 में आप समाजवादी पार्टी के साथ जब गए तब भी आपने यही बात कही, फिर 19 में भी आपने यही कहा, अब मुझे बताइए कि कब तक? माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को आज देश का रोजगार पकौड़ा दिवस मना रहा है, क्या आप ये बताएं कि? चलिए, वो तो नोटबंदी के बाद भी आपने कहा था ना कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा, लेकिन क्या हुआ? कितनी सीटें जीते थे आप लोग, मुझे बताइए कितनी सीटें जीते थे आप? कितनी सीटें जीते थे? किसानों की शहीदों जो शहादत हुई है उस पर बात कीजिए, किसानों के हाल देखिए। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार किसान कितने सालाना किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाओं। लेकिन इन मुद्दों से जनता के बीच में आप कनेक्ट कितना बिठा पा रहे हैं, सवाल केवल इसको लेकर के है। दीपक जी की तरफ से आप मत कीजिए। आयुष जी मैं लगातार शाहबाज जी को समझाता तो देखा कि मैंने सुना कि उन्होंने होमवर्क में थोड़ी सी कमी की है, उन्हें थोड़ा सा और होमवर्क करके आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो देखिए काम के आधार पर बात करती है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, हमने काम किया और हमने नीति आयोग के आंकड़ों पर नहीं सकते। अरे सुनिए तो शाहबाज जी, देखिए आप बोल रहे थे आप अनुशासन बनाए रखिए, का कांग्रेस में यही सिखाया जाता है अनुशासन तोड़ना। मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं ना, देखिए रोजगार की स्थिति है, इनके खुद के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, उनका खुद का बयान आया था हमने 1 लाख रोजगार दे दिए हैं और 1 लाख रोजगार देने की तैयारी में है। तो मतलब यह है कि उन्होंने अभी केवल और केवल 1 लाख रोजगार दिए हैं और एक बार 1 लाख रोजगार देंगे।
रीड नीट लेट पास का पेपर इनके दिन आए दिन लीक होता रहता है। खैर उस मुद्दे पे नहीं जाऊंगा, पर उसके बाद देखिए इनके कार्रवाई क्या होती है। उस पेपर आउट को करने के लिए इनके अगर पकड़े जाते तो प्रकाश गोदा इनके 25 के महासचिव है एनएसयूआई के, वो उस पेपर आउट में पकड़े जाते। तो कुल मिला के कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मिली मदद से ये काम हो रहा है। इनके बत्ती लाल मीणा के साथ में पेपर आउट करने वाले पकड़े जाते हैं, इनके शिक्षा मंत्री के साथ में पकड़े जा रहे हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सरकार का और पेपर आउट करने वालों के साथ में एक गठबंधन है, जो गठबंधन इन्होंने राजस्थान के अंदर किया है। खैर छोड़िए राजस्थान की बात है, अभी महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। इन्होंने अभी गोवा के अंदर सीट वितरण किया, 28 सीटें थी, 28 सीटों में से केवल 2 सीट दी महिलाओं को, केवल 7% बनता है। तो ऐसा ये सशक्तिकरण केवल उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं, गोवा के गोवा की महिलाओं का ये सशक्तिकरण नहीं करना चाहते। इन्हें महिलाएं भी विशेष रूप से उत्तर प्रदेश की नजर आती है। खैर उस बात को भी छोड़ दीजिए, महिलाओं के प्रति अत्याचार, माइनर गर्ल्स के प्रति अगर अत्याचार करने में अगर कोई स्टेट नंबर वन है तो वो छत्तीसगढ़ है। नहीं, लेकिन दीपक जी देखिए महत्वपूर्ण सवाल जो है वो उत्तर प्रदेश का यही है, क्योंकि महंगाई हो या फिर नौजवानों को रोजगार का विषय हो या किसानों की स्थिति हो या फिर हम पूर्वांचल में देखें तो छुट्टा पशु या आवारा पशु, ये एक बड़ी समस्या है, आप इसको नकार नहीं सकते। और अगर इस विषय पर आपने काम किया है तो डाटा के साथ आप बताएं कि आपने क्या किया है, जनता भाई आप पर भरोसा क्यों करेगी। ये आयुषी मैं वहीं आ रहा हूँ, आयुषी मैं वहीं आ रहा हूँ, पहले मुझे लगा शाहबाज जी का जवाब दे दें फिर आपके प्रश्न का जवाब। 5 साल काम किया हमने, पूरे 5 साल काम किया और ईमानदारी के साथ काम किया, सेवा भाव के साथ में काम किया। हमने किसी के ऊपर एहसान नहीं किया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था और इसी काम के लिए दायित्व दिया था और हमने उस दायित्व का निर्वहन किया। आज देखिए रोजगार की स्थिति देखिए, पहले कभी 17.4 बेरोजगारी दर हुआ करती थी, आज 4.5% सिंगल डिजिट के अंदर आ गई, डबल डिजिट के अंदर। हमने 4.5 लाख रोजगार सीधी भर्ती में दिया, 3.5 लाख हमने संविदा पर भर्ती में दिए, हमने 1.5 करोड़ मनरेगा के अंदर रोजगार दिए, हमने 9,515 पर डॉक्टरों के रिक्त से जो भरे, 20,000 हमने पुलिस के अंदर महिला बहनों को की भर्ती कराई, उसके अलावा हमने 1.5 लाख पुलिस की भर्ती के अंदर पुलिस भर्ती कराई और 1.5 लाख हमने शिक्षक भर्ती कराई, ये सारी भर्ती हमने कराई। इसके अलावा हमने 42 लाख एमएसएमई में लगभग 1 करोड़ रोजगार देने का काम किया और उसके बाद हमने महिलाओं का जो स्वरोजगार योजना थी उसके तहत में 10 लाख स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को इससे जोड़ने का काम किया। और ये तो हमने केवल एक बार किया और हमने आगे संकल्प लिया ठीक है। अब आपने जो संकल्प लिया है यही तो सबसे अहम है ना, कि संकल्प पर जनता ने भरोसा क्या किया है कि नहीं किया, इसके लिए हम सभी 10 तारीख का इंतजार करेंगे। नरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, बहुत स्वागत है नरेंद्र जी आपका भी इस चर्चा में। नरेंद्र जी हम लोग देख रहे हैं एक तरफ की आज अभी इससे पहले देखा हम लोगों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हुए थे, उन्होंने एक रोड शो किया है, अभी प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है और उसके बाद अखिलेश यादव जी का भी रोड शो होना है, वाराणसी इतना अहम क्यों है? नरेंद्र जी एक बार अनम्यूट कर लें, आपके भी ऑडियो म्यूट है मुझे लग रहा है। हेलो जी नरेंद्र जी बात रखें अपनी आवाज आ रही है सर? जी बनारस इस बार एक नया इतिहास रचने जा रहा है और बनारस का जो प्यार और बनारस की जनता का जो प्यार है वो माननीय अखिलेश यादव जी को मिलने जा रहा है। और जिस तरीके से अभी मैं पूर्व वक्ताओं को सुन रहा था, जिस तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि हमने काम किया है और हमने संगठन इतने लोगों को, आयुष जी जिस प्रकार से इनका नेटवर्क है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में इनकी परिस्थिति है, थोड़ी देर के लिए आती है फिर चली जाती है, तो यही स्थिति। चलिए ठीक है, देखिए भाई अब नेटवर्क तो कहीं भी आ जा सकता है मुझे लगता है इस पे। नरेंद्र जी हाँ बात रखें अपनी, मोदी जी का टेली प्रॉम्प्टर भूल गए लग रहा है। तो ये भूल गए इन्होंने दो आलू और सोने वाली देने का वादा किया था, तो 2 करोड़ लोगों को रोजगार तो नहीं दे पाए लेकिन बेरोजगारी जरूर बढ़ा दी आपने। आपने जो जवाब जो आयुषी ने जो प्रश्न किया था छुट्टा पशुओं का, रोजगार का, महंगाई का, उस पर तो ये बोलना ही नहीं चाहते। जो 400 रुपए का सिलेंडर आपने 1,000 रुपए का पहुंचा दिया उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते हैं आप? आप पेट्रोल और डीजल के आसमान छू रहे हैं, आप उस पर क्यों नहीं बात करना चाहते, उस पर क्यों पर्दा डाल रहे हैं? और बाकी तमाम सरसों का तेल 200 रुपए पहुंच गया, 90 रुपए लीटर इससे पहले की सरकार में रहा करता था, तब आप उस पर क्यों नहीं बोलना चाहते? बस आप झूठी घुमड़ा गोलमोल बातें कर आपका यही भारतीय जनता पार्टी में सिखाया जाता है कि गोल गोल बातें कर लोगों को गुमराह करिए और अपना काम बनाइए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की जनता अब ज्यादा समय तक बेवकूफ बनने वाली नहीं है।
उत्तर प्रदेश की जनता सब कुछ जान चुकी है और आपकी बस 10 तारीख को गाना बजेगा कि बाबा चल मठ की ओर, बाबा जी की वापसी होने वाली है 10 तारीख को, ये उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया अच्छे से और वो आपको नरेंद्र जी ठीक है नरेंद्र जी, उसके लिए हम लोग 10 तारीख का सभी इंतजार करेंगे, हम लोग फिर मिलेंगे 10 तारीख को। शहबाज जी जवाब दीजिए। बिल्कुल सर, कहीं ना कहीं जो दीपक बघेल जी आज इतना आंकड़ों के साथ, पता नहीं कौन से आंकड़े ये पढ़कर आए हैं, बीजेपी नामक झूठ की फैक्ट्री से शायद ये आंकड़े लिए। अब मैं इनको आंकड़े बता दूं, एनसीआरबी का नाम सुना होगा, देश की एक जानी मानी एजेंसी है, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो, उसके अनुसार 2019 और 2020 से सालाना 32% अपराध महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे, राजस्थान पर पहुंच गए, छत्तीसगढ़ पर पहुंच गए, लेकिन नीति आयोग के आंकड़े आपने सुने होंगे। अभी ने नीति आयोग, मैं नहीं बताना चाहता कि कौन सी एजेंसी है, सरकारी आंकड़ों को प्रदर्शित करती है। नीति आयोग के अनुसार उत्तर प्रदेश भुखमरी में अव्वल दर्जे पर है, हेल्थ स्ट्रक्चर सबसे कबाड़ा है, पॉवर्टी में हम सबसे पीछे हैं, बेरोजगारी की दर सबसे तेजी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है। तो कौन से आंकड़े ये लेकर आए हैं जो यहाँ पर पेश कर रहे हैं? मैं इनसे केवल और केवल इतने सवाल करना चाहता हूं कि आखिर आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल लेते हैं, मेरी बात समझ में नहीं आती। आज देश का युवा बेरोजगार है, आपने देखा होगा यूक्रेन में तमाम बच्चे फंसे हुए हैं और प्रधानमंत्री, एक संवैधानिक पद का इतना बड़ा प्रधानमंत्री बनारस की गलियों में गली गली घूम रहे हैं। देश के बच्चों की इन्हें बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, देश के व्यापारी की इनको कोई फिक्र नहीं है, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पूरे देश का पैसा इन्होंने केवल और केवल अडानी अंबानी बाबा रामदेव जी के पास जाकर गिर में रख दिया है। कौन सी फैक्ट्री है कि 100 रिचेस्ट मैन ऑफ द इंडिया में नहीं था, आज वो पहली और दूसरी पोजीशन पर, मैं अडानी जी के बारे में बात कर रहा हूं, सारा और सारा व्यापार इनके खून में है, शिक्षा इनके खून में नहीं है। क्योंकि जब शिक्षा, जब लोग पढ़ेंगे, युवा पढ़ेगा तो देश सवाल करेगा, युवा सवाल करेगा, अगर सवाल करेगा तो ये जो नरभक्षी हैं इस देश में सत्ता पर काबिज नहीं रहेंगे। क्यों? धर्म इनकी राजनीति है और ये देश धर्म से नहीं चलेगा, न गीता से चलेगा, न कुरान से चलेगा, देश सिर्फ और सिर्फ चलेगा तो संविधान से चलेगा। और उसी संविधान को ये हाईजेक करना चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने तमाम इंस्टीट्यूशन देश के हाईजेक कर रखे हैं, उसी तरीके से जो हमारे देश का एक स्ट्रक्चर है, डेमोक्रेसी है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो प्रस्तावना है, उसमें जो शब्द नहीं रहते हैं, सेकुलरिज्म, देश का इंटीग्रेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ तोड़ना चाहते हैं। और पिछले 2014 से इन्होंने सिर्फ देश को तोड़ने का काम किया है, हिंदू मुसलमान के बीच की जो खाई है उसे बढ़ाने का काम किया है। ना ये किसान के हितैषी है, ना व्यापारी के हितैषी है, ना देश के युवा के हितैषी है। जी अभी इन्होंने एक शब्द, शाहबाज जी ने नरभक्षी का इस्तेमाल किया, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा, नैना साहनी के साथ में क्या हुआ था एक बार आप बताना पसंद करेंगे क्या? तंदूर के अंदर एक महिला को काट कर किस प्रकार से जलाया गया, ये सबने देखा और पूरे देश ने देखा कि किस प्रकार से नरभक्षी जो सुनिए कई लोगों का कर्म है, ये तो हम अपने तरफ नहीं कर रहे, सुनिए ना, ये आपका चरित्र है, मूल चरित्र आपको बता रहा हूँ, आप महंगाई के ऊपर बता दीजिए, उनको बताइए कि डिबेट का कोई परफॉर्म होता है या उसको तोड़ रहे हैं बार बार आप बीच में। देखिए महंगाई के ऊपर रैली करने जाते हैं जयपुर के अंदर, क्या बोलते हैं, हिंदू को ISS और बोको हराम से तुलना करने जाते हैं, हिंदू तो और हिंदू के अंदर भेद करने जाते हैं, श्री राम बोलने वालों को कालनेमी बताते हैं। आप बताइए कौन धर्म संप्रदाय की राजनीति कर रहा है? राजनीति ये लोग कर रहे हैं, हम तो नहीं इसमें लेकर आए, किस प्रकार से ये संरक्षण कर रहे हैं माफियाओं का, इन्होंने कम संरक्षण किया अपने समय पे, ये तो बिल्कुल इस बात को नहीं कहेंगे। आज देखिए इनकी जहां जहां सरकारें हैं, एक बार काम नहीं हुआ, अपने घरों को बचा नहीं पाए, लड़के को चुनाव लड़ने के लिए भेजा, वो वहां पे तो उत्तर प्रदेश के लोगों को बोल रहा है वो समझ नहीं पाते, भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े थे आप, उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली दोगे और उन्हीं उत्तर प्रदेश के लोगों से वोट लोगे, ये कैसे संभव है? तो कांग्रेस देखिए 4 या 5 सीटों से आने वाली नहीं, पर इन्हें टीवी के अंदर ऊपर पूरा लोकतंत्र चाहिए, तो लोकतंत्र का स्वागत है, आप 5 सीट ले आइए, ये बहुत बड़ी बात होगी आपके लिए, मैं बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर, और ये फैक्ट है,
आप 5 सीट नहीं लेके आ रहे हैं, पर आप यहाँ बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। खैर कर लीजिए, आपको लोकतंत्र के अंदर अधिकार मिला हुआ है। देखिए, आज सुशासन की व्यवस्था कायम करने का काम किया वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर काम किया, और ये हम नहीं बोलते, ये जनता बोलती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा कुछ ठीक हुआ था वो है सुशासन की व्यवस्था। आज लोगों के बीच में सुरक्षित माहौल बना हुआ है। आज शाम को 6 बजे के भी आदमी महिला निकल सकती है, 7, 8, 9, 10, 12 बजे। चलिए, अब दीपक जी, ये बात जो आप कह रहे हैं इस पर देखिए, अभी देखिए नरेंद्र जी का भी ऐतराज होगा इस पर, जय शहबाज जी का भी ऐतराज होगा। चरण का रण अब और तेज होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार धुआंधार चुनावी प्रचार चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाराणसी में मौजूद है, जहां पर प्रधानमंत्री का एक भव्य रोड शो लगातार आपने देखा है और सभी बड़े चेहरे आपको इस समय वाराणसी में नजर आ रहे हैं। लेकिन वाराणसी क्यों इतना महत्वपूर्ण है और वाराणसी में इस समय जो रोड शो चल रहा है उसके मायने क्या है और इसके जरिए किसको साधने की कोशिश हो रही है, इस पर चर्चा भी हम लगातार कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले 4 कैमरों के जरिए ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं आज के प्रधानमंत्री के इस रोड शो की। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री किस तरीके से पहुंचे थे वहां पर, उसके बाद लोगों की जो भारी भीड़ है उनका अभिवादन वो स्वीकार करते हुए आप पहली तस्वीर देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं वो लोगों के हुजूम की है, यानी कि लोगों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर आपको इस तस्वीर में नजर आएगी और आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पर रंग गुलाल भी उड़ाया जा रहा है, जो दूसरी तस्वीर में यानी कि कैंप 2 में आपको इस समय दिखता है। कैंप 3 में भी एक बार फिर से भीड़ का नजारा देखिए, जहां जहां ये काफिला निकल रहा है वहां वहां आपको जो सिर्फ लोग हैं वही नजर आएंगे और लोगों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर आपको इस रोड शो में दिखेगा। और चौथी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बनारस है, बनारस के अपने अलग रंग हैं, बनारस की अपनी एक अलग संस्कृति है और वो भी आपको यहाँ पर स्थानीय कलाकारों के द्वारा यहाँ पर नाचते गाते झूमते हुए दिख रही होंगी। तो ये चारों ही तस्वीरें जिसके अलग अलग सियासी मायने हैं। और एक और तस्वीरें हम कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं जो आप इस समय देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है, कैंट शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी और रामकोटरा तिराहे होते हुए मैदागिन मैदान तक ये जाएगा, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। तो शुरुआत से लेकर के और आखिर तक आप जहां जहां देखेंगे सिर्फ लोग आपको नजर आएंगे, भारी भीड़ नजर आएगी, लोगों का उत्साह दिखेगा और प्रधानमंत्री को लेकर के उनकी जो दीवानगी है वो आपको इन कैमरों के माध्यम से भी दिख रही होगी। हालांकि ये बात सही है कि इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हैं और चुनाव में जो पार्टियां हैं वो अपने पूरे दमखम के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री सबसे बड़े चेहरे के तौर पर चुनावी मैदान में हैं, इसलिए उनके चाहने वाले या फिर उनको समर्थन देने वाले लोगों की भीड़ आपको दिख रही है। लेकिन जो नेता भी पहुंच रहे हैं या फिर जहां जहां भी आपको रोड शोज या रैलियां दिख रही हैं वहां पर भी उनके समर्थकों की जो भीड़ है वो आपको दिखेंगी। तो आज अखिलेश यादव का भी रोड शो होना है जो जानकारी है, और उस समय भी आप देखेंगे कि किस तरह से जो रोड शो होगा उस रोड शो के दौरान भी क्या जो जनता है वो इसी तरह से अखिलेश यादव को लेकर के भी सड़कों पर आएगी, और क्या जो दावे तमाम पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं वाराणसी के जरिए जो पूर्वांचल को पूरी तरह से साधने की कोशिशें इन सभी पार्टियों की तरफ से हो रही हैं उसमें इन पार्टियों को कितनी कामयाबी मिलेगी ये भी उतना ही महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि आज प्रधानमंत्री का ये रोड शो है और उस पर सबकी निगाहें थी और इसको आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो रोड शो लगातार आप देख रहे हैं, रोड शो की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार आप देख रहे हैं कि बड़े चेहरों की मौजूदगी है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के। लेकिन इन बड़े चेहरों की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है उससे पूर्वांचल की जनता कितना अपने आप को कनेक्ट कर पा रही है और पूर्वांचल के बड़े और कोर इश्यूज को क्या इन पार्टियों ने सही मायने में कहीं ना कहीं जोड़ा है जनता के साथ, या जनता का जो कनेक्शन है क्या वो उनके साथ बना है, आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटेंगे, सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। एक तो पूर्वांचल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन 17 में जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का था उसको देखते हुए उसको रोक पाना या फिर वहां पर आपका प्रदर्शन उसको बेहतर कर पाना ये भी एक बड़ी चुनौती है। पूर्वांचल किस तरह से आपको नजर आ रहा है, समाजवादी पार्टी किस विषय पर या किस मुद्दे पर इतनी आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा वो वहां से साफ कर रही है, आपका रिएक्शन मैं इस पर भी चाहूंगा। इसके अलावा बघेल जी ने जो बातें कही उस पर भी जवाब दीजिए। नरेंद्र जी, आयुष जी, मैं बता दूं, पूर्वांचल वैसे भी माननीय नेताजी के साथ रहा, हमेशा समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। हुआ कि 2012 से 17 के बीच जो विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने शासन काल में किए थे वो बहुत ज्यादा, मतलब इतने विकास कार्य कभी किसी सरकार में हुए ही नहीं। हुआ क्या, 2017 में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने
बहुत बड़ी बड़ी बातें कर झूठ बोलकर, यानी कि 15 लाख आपके खाते में डालेंगे, उन्होंने कहा ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे। जब 90 रुपए किलो सरसों का तेल था तब ये बोलते थे महंगा है, जब 55 रुपए डीजल बिक रहा था तब ये कह रहे थे महंगा है। तो लोगों ने इन पर जिस तरीके से माननीय अखिलेश यादव जी पे 2012 में विश्वास किया था उत्तर प्रदेश की जनता ने, और वो अपने उस विश्वास पे खरे उतरे, तो जब उनसे बढ़कर बातें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की तो लोगों को लगा कि वाकई में ये शायद कहीं अखिलेश यादव जी से कई गुना ज्यादा विकास करेंगे। लेकिन जब सरकार में आए तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जनता को घोर निराशा मिली, निराशा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जान चुकी है ये लोग कितना झूठ बोलते हैं। बोलते हैं कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे, बोल देंगे महंगाई खत्म कर देंगे, छुट्टा पशुओं से मुक्ति दिला देंगे। अब बताइए समूह से ये कोई विकास है? बोलते हैं कि चाय की ठेली लगा लो, पकौड़े बेचने लगो, इसको ये रोजगार में जोड़ रहे हैं। डीएपी की 5 किलो बोरी पे इन्होंने चोरी कर ली, मतलब कहीं ना कितना झूठ बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता भी अब जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश का कायाकल्प सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी कर सकते हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव जी ने 2012 के अपने घोषणा पत्र में लैपटॉप की बात रही हो, चाहे वो विकास की बात रही हो, चाहे एक्सप्रेस वे की बात रही हो, या तमाम नरेंद्र जी, देखिए अगर नरेंद्र जी देखिए इन्होंने आप कह रहे हैं, नकार रहे हैं कि इन्होंने कुछ किया नहीं, इन्होंने हर विषय पर ठगा जनता को। अखिलेश यादव जी एक बहुत बड़े अच्छे ऑप्शन के तौर पर इस समय जो जनता है प्रदेश की वो देख रही है, फिर उसके बाद आपको पूर्वांचल के अंदर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? फिर तो अखिलेश यादव जी एक चेहरा है, उन्होंने विकास कार्य किया है, उन्होंने 12 से 17 तक अपने दम पर सरकार को चलाया है, आपको जाना चाहिए था समाजवादी पार्टी के नाम पर वोट मांगना चाहिए था। पूर्वांचल के अंदर फिर छोटे दलों की आवश्यकता क्यों पड़ रही है आपको? इसका मतलब आपको लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर जातिगत फैक्टर या इन तमाम समीकरणों को साधते हुए कहीं ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी की 17 वाली स्थिति हो जाए? एक्चुअली ऐसा है कि वो वहां के छोटे दल हैं और उनसे गठबंधन, चूंकि हमारा पिछले जो पहले जो हमारे बड़े दलों से जो हमारा गठबंधन था तो वो हमारा कहीं ना कहीं वो सही नहीं था वो जो फिर इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने जो छोटे दल है जो एक एक दो दो सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उनसे गठबंधन, चूंक वहां पर लोकल में उनकी स्थिति अच्छी है और वो कहीं ना कहीं उनके जो लोग थे वो समाजवादी पार्टी से ही जुड़े थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो लोग अपना अलग हो गए, तो इसलिए अब वो लोग वापस अखिलेश यादव जी के साथ आना चाहते हैं। इसलिए वहां हमने छोटे छोटे दलों से गठबंधन किया और उत्तर प्रदेश में मैं गठबंधन को लेकर मेरा सवाल नहीं, मेरा सवाल यह है कि उसकी जरूरत आपको क्यों पड़ी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर ये कह रही है कि वो मजबूत विपक्ष के तौर पर है इस समय और अखिलेश यादव जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है प्रदेश की जनता के पास में, तब तो जनता को आपके पास ही सीधे जाना चाहिए था, फिर इन दलों की जरूरत आपको आवश्यकता क्यों है? वो माननीय अखिलेश यादव जी के लिए छोटे दलों से गठबंधन एक बोनस के रूप में काम करेगा और ये आपको देखने को मिल जाएगा 10 तारीख को। ये जो छोटे दल है, ये छोटे दल नहीं, ये बोनस के तौर पर है, ठीक है। चलिए अब्बास जी, शहबाज जी बघेल जी ये कह रहे हैं कि भाई देखिए आप लोग जो बात कह रहे हैं उसका कोई जनता के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला, वो तो कह रहे हैं कि आपकी 4 से 5 सीट भी आ जाए प्रदेश के अंदर तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए पहले स्पेकुलेशन किसी भी तरीके का भविष्यवाणी करना गलत होगा, 10 मार्च को नतीजे आएंगे, 10 मार्च को आप इनवाइट करना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और दीपक बघेल जी को भी करना, यहाँ पर पता चल जाएगा कौन कितनी सीट ला रहा है। यही कॉन्फिडेंस इनका, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, यही कॉन्फिडेंस इनका जिस तरीके से एक इंडिकेट करता है कि किस तरीके से इन्होंने इंस्टीट्यूशन हाईजेक कर रखे हैं, आखिर कौन से तरीके से ये खुद को अपने आप को 300 प्लस दिखा रहे हैं, दूसरे को 3 से 4 सीटें दे रहे हैं। ये तो जनता जनार्दन है, जनता जिसे आशीर्वाद देगी वो सत्ता की कुर्सी को संभालेगा, लेकिन इस बार यूपी में बदलाव तय है। आप लिख लीजिए शहबाज, अगर इंस्टीट्यूशन हाईजैक कर लिए होते तो मुझे लगता है जहां जहां जिस प्रदेश में आपकी सरकार है वहां नहीं बनती, क्योंकि उससे पहले तो वहां बीजेपी ही थी। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ और ये किसी को छुपा नहीं है, किस तरीके से चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो, ईडी हो, सीबीआई हो, लंबे समय तक ये एक तरीके से इनका खौफ
जो है दिखाते रहे हैं और देश की जो धरोहर है, देश के संसाधनों को। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर ठीक है, और संस्थाओं पर आप लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पर भी आप सवाल उठाएंगे तो मुझे बताइए छत्तीसगढ़ में कैसे सरकार बनाई आपने, राजस्थान में कैसे बनाई, पंजाब में कैसे बनाई, आप बोलने दीजिए। क्या निष्पक्ष नहीं हुआ वहां पर चुनाव? ये देश की सरकारी संसाधनों को बेचने के बाद आज देश की अपने खुद की कोई भी एयरलाइंस नहीं है, किस बात का इंडिकेट करता है? सारी चीज इन्होंने देश की गिरवी रख दी है अडानी अंबानी के पास, इस पर इनकी नियत पर कैसे सवाल ना उठाए। अरे अडानी अंबानी का नाम शहबाज जी आप बार बार ले रहे हैं, अभी अशोक गहलोत जी ने कितने करोड़ का एमओयू साइन किया है अडानी जी के साथ में, उसका भी जानकारी आप यहां पर रख दें फिर जरा। आप दूसरे को कहते हैं और आप खुद वही काम करते हैं। भाई अगर अडानी अंबानी से इतना परहेज है तो आप उनको बाइकआउट करिए ना, अपने प्रदेशों में इन्वेस्टमेंट डालने के लिए आप अडानी के साथ चले जाएंगे, यहां प्रदेश में बैठे हैं तो कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को इन्होंने बेच दिया सब। इस तरह का भ्रमित करने वाले बयानबाजियां मत किया करिए। पॉलिटिकली आपको जो कहना है कहिए, मगर ये अडानी अंबानी को कहकर के और आप इस तरह की बातें कहते हैं, बताइए। आयुष जी एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट की भी एक चीज होती है, लेकिन ठीक है आप हेल्दी इन्वेस्टमेंट पर आ गए, ये करेंगे तो अनहेल्दी है, आप करेंगे तो हेल्दी। भाई यही तो जनता को तय करने दीजिए ना, आप लोग परसेप्शन क्यों क्रिएट करते हैं और अडानी अंबानी को ले आते हैं आप लोग बीच में, नंबर के धन कुबेर बन बैठे हैं ये मुझे बता दीजिए। अरे तो मैं कह रहा हूं ना उनको बाइकआउट कर दीजिए ना, वो धन कुबेर बन बैठे, उनसे पैसा आप वापस लाइए और कहिए कि हम आपको अपने स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करने देंगे, आप इन्वेस्ट करवाएंगे और पैसा उनको देंगे तो आप भी तो धन कुबेर बनाने में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं ना। आयुष जी आप जिस तरीके से बैटिंग बीजेपी की तरफ से कर रहे हैं, अगर थोड़ा और पार्टीज की नियत पर भी सवाल, अगर मैं आपसे केवल आपके सवाल का ही काउंटर पूछ रहा हूं, क्योंकि अगर अडानी अंबानी का बार बार जिक्र करेंगे तो मैं ये सवाल आपसे क्यों ना पूछूं कि भाई क्या अशोक गहलोत जी ने उनके साथ एमओयू क्यों किया? अगर आप इस बात का जिक्र नहीं करते तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछता। आप ये कह रहे हैं कि अडानी अंबानी को इन्होंने सब बेच दिया तो उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन तो आपका भी हो गया ना उसको धनपति और करोड़पति बनाने में, क्यों कर रहे हैं उनके साथ एमओयू? हर नागरिक कह रहा है कि इन्होंने देश को गिरवी रख के कर दिया है। अब मैं एक बात आपको और बता दूं, एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी होती है कि जो हेल्दी क्रिटिसिज्म होता है, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज द बेस्ट क्योर फॉर द डेमोक्रेसी। मैं इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन कौन सा खजाना था, कौन सी चाबी थी इनके पास के अडानी जी आज दूसरे नंबर के धन कुबेर बन बैठे हैं? कौन किस तरीके से उन्होंने ग्रोथ की है? 5,000 times ज्यादा उन्होंने ग्रोथ की है पिछले 5 साल तो में। आप यही तो मैंने सवाल पूछा ना कि आप कोई ऐसा दूसरा उद्योगपति ढूंढिए जिनको आप पैसा दे सके, उनको सशक्त करें, अडानी अंबानी को बाइकआउट कर देना, आप भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अंदर, इसीलिए मैं यह सवाल आपसे पूछ रहा हूं। अगर आप कह रहे हैं कि वो 2 नंबर पे पहुंच गए, आज राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो एमओयू साइन किए करोड़ों के उनके साथ, कल छत्तीसगढ़ की भी करेगी, हो सकता है वो नंबर 1 पर पहुंच जाए, उसमें आपका भी तो फिर योगदान आ जाएगा ना शहबाज जी। मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन हेल्दी इन्वेस्टमेंट, हेल्दी क्रिटिसिज्म भी इस देश में एक डेमोक्रेसी की ब्यूटी है, उस चीज को डिनाई नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से मोनोपोली अप्रोच बीजेपी ने अडानी अंबानी को दी है वो एक तरीके से गलत। मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में एग्जिस्ट नहीं करती, ये आप भी इकॉनमी है। बिल्कुल सही बात आप, मैं कहां कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं देश के अंदर जो और उद्योगपति हैं उनको भी बढ़ावा दीजिए, भाई सबके पॉकेट में जाए ना वो पैसा, लेकिन कोई अगर हो रहा है तो उसका आप विरोध कर रहे हैं तो अपने लिए भी उसको एप्लीकेबल करिए, दूसरे पे सवाल उठाएंगे तो ये सवाल काउंटर आपके ऊपर भी आएगा। दीपक बघेल जी जल्दी से जवाब दीजिए। बघेल जी को अनम्यूट करें, मुझे लग रहा म्यूट है आपकी ऑडियो। ठीक है आयुष जी, जिस प्रकार से देखिए केंद्रीय जितनी भी एजेंसी है, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे जितनी भी एजेंसी है, वो सब हमारी है, ईडीबीटी सब हमारा है। अभी देखिए अभी इनके एक और बयान आएगा, ईवीएम बेवफा है, ये 10 तारीख को आएगा, उससे पहले आपके ऊपर बयान आ गया कि मीडिया भी हमारा है। एक बात बताइए फिर ये करके आना है, सारी चीजें हमने ही खरीद ली क्या? आप इस बात से आयुष जी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग को ठीक है, हम लोग को इससे कोई आपत्ति नहीं है, जिसको जो कहना है वो बिल्कुल स्वतंत्र है। हम लोग राजस्थान में जब बैठते हैं तो वहां पर बीजेपी वाले भी कह देते हैं कि हम लोग अशोक गहलोत जी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, इसलिए उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, जनता निर्णय कर देती है और इसीलिए हर 5 साल के बाद चुनाव होता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का अपना समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि रोड शोज हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि वाराणसी इन सबके केंद्र में है, लेकिन अब देखना यह है कि वाराणसी के जरिए जो साधने की कोशिश हो रही है उसका जनता के ऊपर असर क्या होता है और चुनाव परिणामों में क्या यह रिफ्लेक्ट होता है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।